वेलकम बैक। हाउस प्लांट 15 फीट बाय 14 फीट, टोटल 600 स्क्वायर फीट हाउस प्लान है। ये कंप्लीट 2 BHK बनाया गया है। प्लॉट की बात करें तो ये लॉन्ग प्लॉट है, जिसमें कि इस साइड से कंप्लीट 40 फीट की लेंथ है और विड्थ इसकी सिर्फ 15 फीट है। तो प्लॉट के साइज से ही सारा कुछ डिजाइन किया गया है, जिसमें इसकी आउटर वॉल की बात करें तो ये कंप्लीट 5 इंच रखा गया है। ये हमारी आउटर वॉल हो जाएगी 5 इंच की, और पार्टीशन वॉल भी 5 इंच का रखा गया है। आउटर वॉल के लिए रेड कलर यूज किया है, और विंडो के लिए हम येलो कलर यूज करेंगे ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सके। कंप्लीट पार्टीशन वॉल भी यहाँ पे 5 इंच ही डिजाइन किया गया है। तो आप वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे इसमें टोटल कितनी पिलर यूज होगी और इसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी, सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये कंप्लीट बेडरूम अटैच लेट बाथ से कनेक्टेड होगा, जिसमें कि ये आउटर वॉल हो जाएगी 5 इंच की। ये इसमें OTS भी रखा गया है और एक किचन प्रोवाइड किया गया है, साथ में लिविंग एरिया है। अभी विंडो की बात करें तो ये हमारा विंडो हो जाएगा, एक लॉन्ग विंडो। यहाँ एक विंडो दिया गया है, एक स्टेयर के नीचे वाले पार्ट में विंडो दिया गया है, एक विंडो यहाँ रखा गया है और एक विंडो यहाँ दिया गया है। इसकी हम डिटेल में बात करें तो ये हमारा विंडो हो जाएगा लॉन्ग। यहाँ एक विंडो दिया गया है, स्टेयर के नीचे वाले पार्ट में विंडो दिया गया ताकि किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। एक विंडो यहाँ प्रोवाइड किया गया है, एक विंडो यहाँ दिया गया है और एक विंडो यहाँ दिया गया है। अगर इस एरिया में आपका स्पेस ओपन है तो आप यहाँ पे विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस साइड स्पेस ओपन है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब इसकी डिटेल में बात करती है, हमारी मेन डोर हो जाएगी जो कि 4 फीट का रखा गया है। डबल डोर या फिर आप सिंगल डोर कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपके बजट और डिजाइन पे डिपेंड करता है। एंट्री करने के जस्ट बाद हमारा स्टेयर वाला पार्ट होगा। ये स्टेयर 3 फीट विड्थ का रखा गया है, जो कि मूव करके फर्स्ट फ्लोर पे चल जाएगा। स्टेयर के नीचे वाले पार्ट की बात करें तो ये कंप्लीट स्टोरेज के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पार्किंग के लिए एक बाइक या फिर आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं स्टेयर के नीचे वाले पार्ट को। उसके जस्ट बाद हमारा ये लिविंग एरिया हो जाएगा, जिसमें कि एक सिंगल 6 सीट वाली सोफा अरेंज की गई है और साथ में एक डाइनिंग टेबल भी। ये हमारा डाइनिंग टेबल हो जाएगा जो कि किचन के जस्ट आउटसाइड होगी। ये हमारी किचन हो जाएगी। किचन यहाँ पे 8 फीट 9 फीट बाय 7 फीट का रखा गया है। इस साइड से 9 फीट हो जाएगा और इस साइड से 7 फीट डिजाइन किया गया है। इसमें 2 विंडो दिया गया ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। अगर इस साइड स्पेस ओपन नहीं है तो आप यहाँ पे भी एक विंडो डाल सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट किचन हो जाएगा। किचन के जस्ट आउटसाइड हमारा ये डाइनिंग टेबल हो जाएगा और ये हमारा लिविंग एरिया हो जाएगी। इस विड्थ की बात करें तो पैसेज के लिए हमने 4 फीट 6 इंच का यूज किया है, जो कि 4 फीट 6 इंच का कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का स्पेस हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम इसमें 2 बेडरूम बनाया गया है। बेडरूम दोनों अटैच लेट बाथ से कनेक्टेड होगा। तो ये हमारा बेडरूम फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारी बेडरूम फर्स्ट हो जाएगी। इसकी डायमेंशन यहाँ पे 10 फीट बाय 9 फीट 8 इंच रखा गया है। इस साइड से 10 फीट हो जाएगा और इस साइड से 9 फीट 8 इंच का रखा गया है। और यहाँ पे एक विंडो दिया गया है। काफी लार्ज स्पेस है। आप यहाँ पे एक टीवी यूनिट और इस साइड में अगर विंडो नहीं देते तो यहाँ पे आप कैबिनेट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने ड्रेसिंग के लिए। इसकी अटैच लेट बाथ की बात करें तो ये हमारी अटैच लेट बाथ हो जाएगी, जिसकी डायमेंशन इस साइड से 4 फीट 2 इंच लेट प्लस बाथ और इस साइड से 5 फीट 6 इंच का रखा गया। काफी लार्ज है स्पेस इस रिक्वायरमेंट प्लॉट साइज के हिसाब से। तो ये हमारी होगी बेडरूम फर्स्ट। अब बेडरूम सेकंड की बात करें तो ये हमारी इसकी डोर हो जाएगी, कंप्लीट बेडरूम सेकंड। इसकी डायमेंशन काफी लार्ज है, 10 फीट बाय 12 फीट रखा गया है। तो इस साइड से कंप्लीटली 12 फीट हो जाएगी और इस साइड से 10 फीट का हो जाएगा। काफी लार्ज स्पेस है। आप यहाँ पे टीवी यूनिट और इस साइड कैबिनेट या फिर ड्रेसिंग के लिए आप अरेंज कर सकते हैं। और ये एक विंडो दिया गया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। अब हम इसकी अटैच लेट बाथ की बात करते हैं। हमारी
अटैच लेट बाथ हो जाएगी जिसकी डायमेंशन सिमिलर 4 फीट 2 इंच और इस साइड से 5 फीट 6 इंच रखा गया। इसमें एक ओटीएस प्रोवाइड किया गया ताकि प्रॉपर दोनों बाथरूम से वेंटिलेशन हो सके। इसकी विड्थ आप 1 फीट रख सकते हैं, तो ये हमारा ओटीएस हो जाएगा जो कि इस स्पेस से दोनों से वेंटिलेशन हो सके। ये हमारी अटैच लेट बाथ की बात हो गई। इसकी हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो यहाँ से स्टेयर के पार्ट में जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे कंप्लीट एज इट इज ये स्पेस रहेगा। ये रूम अटैच लेट बाथ सारा कुछ सिमिलर रहेगा। आप चाहे तो इस वाले स्पेस को एक सिंगल की रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ से एक डोर हो जाएगा और ये 9 फीट बाय 7 फीट का एक सिंगल किड के लिए रूम हो जाएगा। अब इसकी हम कंप्लीट आउटर वॉल की बात करें तो ये 5 इंच रखा गया है और पार्टीशन वॉल भी 5 इंच रखा गया। इसमें नंबर ऑफ ये कम्प्लीटली फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। इसमें नंबर ऑफ पिलर की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कंप्लीट यहाँ पे आप 15 पिलर यूज कर सकते हैं। पिलर के डायमेंशन की बात करते हैं 10 इंच बाय 10 इंच या फिर आप 9 इंच बाय 12 इंच भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर ये पिलर की साइज बढ़ाते हैं तो ये अमाउंट में इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यूज होने वाली है वो अमाउंट बढ़ या घट भी सकता है। इसकी हम टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्स इसमें आपको 8 to 9 लाख रुपया लग जाएगा कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर को डिजाइन करने में। ये आपके मॉडिफिकेशन पे भी डिपेंड करता है ये अमाउंट। अगर आप मॉडिफाई करते हैं तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, बट मिनिमम आपको 8 to 9 लाख रुपया लग जाएगा कंप्लीट हाउस को डिजाइन करने में। तो ये आज का हाउस प्लान 15 फीट बाय 40 फीट का जो कि 2 BHK डिजाइन किया गया था, साथ में किचन और ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया था। तो हाउस प्लान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।